जीवन 24 पर मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी विधायक और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संयोजक सरयू राय ने मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को जायज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने बेवजह आलमगीर आलम को गिरफ्तार नहीं किया है। पीएस से लेकर नौकर तक भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे थे। हालांकि सरयू राय ने यह भी कहा कि ईडी को और भी नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों के खिलाफ ईमानदारी से जांच करना चाहिए। भरागोरा से लेकर रांची तक ऐसे कई भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में समर्थन मामले में सरयू राय ने कहा कि उनके पास इंडिया और एनडीए दोनों के प्रत्याशी आ रहे हैं। फिलहाल मैंने यह तय नहीं किया है कि किसका समर्थन करना है और किसका विरोध करना है। दो बिंदुओं पर मैंने प्रेस को बुलाया था। पहला बिंदु है कि केबल टाउन में बिजली देने के लिए, सीधा बिजली हर घर में देने के लिए एक रीट फाइल हुआ है हाई कोर्ट में। आज सुनवाई में रीट को स्वीकार कर लिया हाई कोर्ट ने और उसमें टाटा स्टील के वकील और सरकार के वकील उपस्थित थे। टाटा स्टील ने भी ये कहा कि हमको कोई बिजली देने में इतराज़ नहीं है। एक जो टाटा स्टील चाह रहा है कि दिवालिया केबल कंपनी के जो आरपी हैं उनसे हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले, एनओसी मिले। उनको नोटिस किया हाई कोर्ट ने, एनओसी आप देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे अब अगली डेट पर बताएंगे। मेरा यही कहना है कि जब टाटा स्टील तैयार है कि हम इस क्षेत्र में बिजली देंगे और जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि आपको सभी के घरों में बिजली देना है, वो चाहे घर में लीगल ऑक्यूपायर है चाहे इलीगल ऑक्यूपायर है, सबको आपको बिजली देना है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी ये कह रही है कि आपको सबको बिजली देना है, तो सबको बिजली आपको देने में क्या इतराज है? आप लोगों को बिजली दे दीजिए और कोर्ट को सूचित कर दीजिए कि हमने बिजली दे दिया है, आपको इस पर कोई इतराज है तो आप हमको बता दीजिए। इसलिए अगले डेट के पहले टाटा स्टील केबल टाउन के सभी घरों में बिजली दे दे, ये एक मेरी मांग है। और दूसरी बात मैंने ये उठाया है कि मेरी दो महीना पहले टाटा स्टील के VPCS से मीटिंग में बातचीत हुई और मैंने उनसे आग्रह किया कि जमशेदपुर में नाला आधारित विकास नीति बनाइए और मानसून के पहले सभी नालों की सफाई करिए। मेरे सामने उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इसका निर्देश भी दिया और हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस गति से ये काम होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। JNSC को भी 50 बार हमने कहा है कि नालों की सफाई करिए, बरसात में नाला का पानी बस्तियों में ठेल देता है, उन जगहों की पहचान करिए, उसको आप कैसे रोकेंगे, मानसून के पहले उपाय करिए। और जो मानसून 11 और 13 जून के बीच में आ रहा है तो आपको चाहिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।